Nancy Rathore. कांग्रेस को धरने और प्रदर्शन बीजेपी के शासन में भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। वही कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन करते हुए कांग्रेस विधायक और अन्य नेताओं ने सराफा थाने क्षेत्र में दुकानों को खुलवाया था। इसी के तहत सराफा पुलिस ने पूरे मामले में कांग्रेस नेताओं पर प्रकरण दर्ज किया है। बता दें कि सराफा पुलिस ने इस पूरे मामले में कांग्रेस नेताओं पर प्रकरण दर्ज किया है। पिछले दिनों भी बिना अनुमति कांग्रेस नेताओं ने राजबाड़ा पर प्रदर्शन किया था, तो इंदौर की सराफा पुलिस ने बिना अनुमति धरना और प्रदर्शन करने के मामले में पूर्व मंत्री सहित दो विधायक व अन्य कांग्रेस नेताओं पर प्रकरण दर्ज किया था। वहीं एक बार फिर कांग्रेस नेताओं ने थाना क्षेत्र में ही बिना अनुमति दुकानें खुलवाई थी, जिसको लेकर पुलिस ने एक विधायक सहित कांग्रेस अध्यक्ष व अन्य कांग्रेस नेताओं पर प्रकरण दर्ज किया है। थाना सराफा के बर्तन बाजार और निहालपुरा क्षेत्र में कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला और कांग्रेस के नगर अध्यक्ष विनय पाखलीवाल के साथ अन्य साथी लोगों ने कलेक्टर महोदय का जो आदेश है लेफ्ट और राइट की दुकानें खुलने का, उसका उल्लंघन करते हुए सारी दुकानें खुलवाने का प्रयास किया था और उनके द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल माना नहीं गया था। बहुत भीड़ इकट्ठी करी थी। वर्तमान में कोविड-19 की जो स्थिति है उसमें हमारे यहाँ 300 लोग लगभग हमारे शहर में मृत्यु हो चुकी है। इसको देख इस दृष्टि के बाद भी इनके द्वारा भीड़ इकट्ठा करना और कलेक्टर के आदेशों का न मानते हुए, तो ऐसे में हमने धारा 188, 269, 270, 34 में मुकदमा दर्ज किया है।